मार्वल के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और इसका ओपनिंग होता है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया से, और मैं ये कह सकता हूँ मूवी में पूरा दम था, पर कुछ फ्लॉज थे जो काफ़ी नज़र आते हैं, पर पोस्ट क्रेडिट सीन मूड बना देता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं वो क्या क्या थे। तो कॉमिकर्स में आप लोगों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले स्पॉयलर वार्निंग, तो जिसने नहीं देखा है सो बी अलर्ट। मैं शॉर्ट में मोटा मोटा स्टोरी बता देता हूँ। स्कॉट लैंग एके एंटमैन की ज़िंदगी अच्छी हो गई थी एंड गेम के बाद, लोग जानने लगे थे, वो फेमस हो गया था। स्कॉट की बेटी कैसी एक डिवाइस बनाती है क्वांटम रियलम में सिग्नल सेंड करने के लिए, पर उससे सब क्वांटम रियलम में खींचे चले जाते हैं और क्वांटम रियलम में कैंग रूल कर रहा होता है। कैंग स्कॉट से एक सौदा करता है कि तुम एनर्जी कोड ला के दो और मैं कैसी को छोड़ दूंगा, पर एट द एंड जेनेट बताती है कि कैंग की नीयत ठीक नहीं है और लास्ट में वही होता है, कैंग धोखा दे देता है और फिर क्या लड़ाई। अगर देखा जाए तो ये थॉर लव एंड थंडर से काफ़ी अच्छी थी। इसमें ना ही अनयूजुअल कॉमेडी था, ना अनवांटेड प्लेस पे जोक था, और इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी थॉर लव एंड थंडर से, पर प्रिडिक्ट हो जाती थी ये मूवी। 2 घंटे की होने के कारण लंबी फील नहीं होती और फर्स्ट हाफ कब भी जाता है पता ही नहीं चलता। पर मार्वल के मूवी से आप एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हो, अच्छे VFX, अच्छे CGI, पर इसमें कुछ कुछ प्लेस पे बैकग्राउंड CGI इनकंसिस्टेंस थी जो होने का उम्मीद नहीं था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ मार्वल से, वो इतने बड़े कैरेक्टर को मार क्यों देते हैं? इसमें उन्होंने मॉर्डोक को मार दिया, मतलब कोई सेंस है इसका? और मॉर्डोक काफ़ी पावरफुल और जीनियस विलन है MCU का, और इन्होंने मार दिया। और मॉर्डोक का बिहेवियर बड़ा ही अजीब था। चलो स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक लगा, वो गुस्सा था, बदला लेना चाहता था, पर लास्ट में हृदय परिवर्तन कर लेता है, उल्टा स्कॉट का ही हेल्प करने लगता है। अरे भाई, उसने ही तुमको क्वांटम रियलम में फंसाया था, उसके ही वजह से तुम्हारा दिमाग बड़ा और बाकी सब छोटा हुआ, और तुम उसका ही हेल्प कर रहे हो। तुम्हें तो बदले की भावना में जलना चाहिए था, खून के आंसू रुलाना चाहिए था स्कॉट को। पर इससे बड़ा मजाक मॉर्डोक के लिए कुछ नहीं हो सकता था। पर मानना पड़ेगा जोनाथन मेजर की एक्टिंग का, उन्होंने मतलब कैंग को इतना डेप्थ दिया शायद ही कोई और दे सकता था। उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी पूरे मूवी में, और पोस्ट क्रेडिट में तो उन्होंने खतरनाक एक्टिंग की। और सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि इन्होंने कैंग को बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट लिया है, क्योंकि इसे गुस्सा तुरंत आता है, ये मजाक करने वालों में से नहीं है। जब कैंग स्कॉट से बात कर रहा होता है और बीच में मॉर्डोक बोलने की कोशिश करता है, कैंग की हट जाती है। कैंग मॉर्डोक को दीवार पर दे मारता है डायरेक्ट और कहता है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में नहीं बोलते। ये था असली डैडी कैंग द कॉन्करर। एक बात और अच्छी लगती है मार्वल की, वो कॉमिक एक्यूरेट कैरेक्टर और सीन को उठाते हैं और बड़े ही अच्छे से दिखाते हैं, जैसे कैंग का सूट, कैंग का चेयर और पोस्ट क्रेडिट में काउंसिल ऑफ कैंग्स, ये सब कॉमिक एक्यूरेट है डिट्टो। बस स्टोरी चेंज कर देते हैं, और वो सही भी है, कॉमिक में काफ़ी अटपटा तरह से दिखाया रहता है, पर एट द एंड मैं ये कहूँगा मूवी मज़ा देती है, इंटरटेन करती है, और ये काफ़ी अच्छे से फेज 5 को सेटअप करती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। अगर आपको जानना है कि कैंग ने कितने बुरे बुरे काम किए हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, ये वीडियो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कॉमिकर्स। Ba 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 ba